25 में कोई 25-25 या 25-20 W वगैरह जो भी ये मशीनें हैं कैनन की, इसमें बड़ा पन्ना है अगर वाइदी पे, तो उसको कैसे छोटे में निकालना है A4 में, उसके लिए आपको मैं सेटिंग बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता रहती तो परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए आप तो बाईपास यूज के लिए ज़्यादातर बड़े पेजेस बहुत कम आजकल यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ लगा दीजिए A4R, ज़्यादा बेटर रहेगा A4R। ठीक है, यहाँ लगा दीजिए A4R। उसके बाद आप मशीन पे आ जाइए। अभी देखिए ये हमारा जो पेज है ये A4 से काफ़ी बड़ा है, ये देखिए यहाँ लगा रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ लगा रहे हैं A4 से काफ़ी बड़ा साइज है, ये देखिए ये LGL तक आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा। और है हमारा नीचे जो लगा है A4, मतलब यहाँ तक का है। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि मेरा ये वाला पेज A4 पे आ जाए, क्योंकि मेरे पास लीगल नहीं है, LGL पेपर नहीं है, तो मेरा इसी पे आ जाए। तो इसके लिए मैं इसको लगा दिया, और फिर मैंने, और ये इतना बड़ा पन्ना है, जैसे कुछ कंपनियों में ऐसा आता है कि ये देखिए, देख लीजिए कितना बड़ा पन्ना है, ये रहा है इतना है। तो इसको मुझे डुप्लेक्स करके निकालना है, तो अब देख लीजिए क्या सेटिंग करेंगे हम। ये लगा दिया, अब हमें जाना है ये वाला ऑप्शन, कॉपी रेशियो को यूज़ करना है। ठीक है, इसमें आप 80% अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से देख लीजिएगा, 80-75 जो भी आपको सुटेबल लगे। फिलहाल ये मेरा 80 पे आ रहा है, तो मैं 80 करके डन कर दूंगा। और पेपर मुझे कहाँ से लेना है, बाईपास से। ठीक है, बाईपास में पेपर लगाएंगे, पूछेगा वो कौन से। ठीक है, तो आपको A4R करना है। ठीक है, A4R आपको बताया था एक बार कि A4 सीधा होता है, जो ऐसे रहता है पेपर, और ये ऐसे लगा हुआ, तो A4R है। ठीक है, तो हमें यहाँ से ही लेना है। देखिए यहाँ 80% A4R, और हमें डुप्लेक्स भी चाहिए, तो डुप्लेक्स कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो इतना बड़ा पन्ना है तो उसको डुप्लेक्स कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें पहले स्कैन करना है। ठीक है, स्कैन हो गया, अब पेपर चेंज कर दीजिए, जो सेकंड पेपर है वो लगाइए। फिर से स्टार्ट कर दीजिए, देखिए मैसेज अभी आ रहा है, स्टार्ट कर देंगे हम। देखिए ये डुप्लेक्स निकालेगा। ये हमारा आ गया डुप्लेक्स, ओरिजिनल निकाल लीजिए जरा इसे, पहला पन्ना निकालिए। ये देखिए हमारा पूरा आ गया, देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है इसमें कुछ, और ये A4 पे भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमारा कुछ भी कटा नहीं है। और इसका जो सेकंड पन्ना है वो हमारा ये सेकंड पे आ गया। ठीक है, ये देखिए सेकंड यहाँ लिखा, सिलेक्शन सेकंड, सिलेक्शन सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया पहला पन्ना। दूसरा पन्ना भी इसी तरह, ये वाला, ये साइड भी करनी है, तो सेम उसी तरह रख के साइड कर सकते हैं, कर दीजिए दूसरी साइड भी। सेटिंग वही लगी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सेटिंग लगाएं उसको बाद में रिसेट कर दीजिए, करें रख दीजिए, रख दीजिए, स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर दीजिए। स्कैनिंग कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी साइड लगाइए उसी तरह। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है,
आप ये सेकंड पे जा सकते हो। कभी भी कॉपी को यहाँ पकड़ते नहीं है डुप्लेक्स में, डुप्लेक्स हो या सिंप्लेक्स हो, कॉपी पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप मशीन छोड़ देगी देखिए। ठीक है, तो ये भी आप आपका सेकंड पेज आप दिखा दें सेकंड पेज। ये कौन सा है, ये आ गया, ये देखिए, ये सिलेक्शन 11, सिलेक्शन 11। ठीक है, ये इस तरह से पूरा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा बता दिया बस। ठीक है, ठीक है, देखो ये भी पूरा आ गया। ठीक है, इस तरह आप कॉपी को कम करके साइज आराम से अपना फोटोकॉपी निकाल सकते हैं। ठीक है।